वो टेस्ट कर रहे हैं। हाँ बताओ। तो आज हम जाने वाले हैं जयपुर, हमें एक गाड़ी लेनी है। तो भिलवाड़ा में गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, तो हमने जयपुर उदयपुर ट्राई किया था, लेकिन उदयपुर में अवेलेबल नहीं है, तो हमने सोचा जयपुर में है, तो आज जयपुर जाके गाड़ी लेके आनी है। हमारे भैया ने गाड़ी चाहिए थी, नहीं कुछ बताऊँगा गाड़ी, अभी थोड़ा सोचा है गाड़ी देखेंगे कैसी क्या है, तो बताऊँगा आपको कि हाँ आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बोलियो जींस मनसा कितनी फेरू और ये के फेर चालू हो आउट के फेर चालू तो तने ले चालू बन गन तो तने अटकी रहा हुआ या तो ड्रेस चेंज के री तो तने निजारो भी ले चालू ना ना इन सब हो रही है जींस के सेम सेम पहले ट्रेंड पे सेन कैप रिकॉल दियो तने ले चालू या ऐसी पेंट सेम सेम पेंट उठी लगे ये वो मतलब से दरवाड़ा मो सुदा पर मन नंगे ही ब्लेसेट यो पे या मन नंगे यो मन गुप्त जी जो तो मन नंगे आपने जो मोने पे लियो तुझे समझ में आया ब्लेसेट निकाल बैठो यो अरे बेस्ट है सर यो एकदम बेस्ट सर तारो सर अरे बेस्ट मन नहीं नंगे तो मन नंगे जो ब्लैक बेल्ट थी ब्लैक बेल्ट ने पेरी और मोर पे पेट है हंडे ने पेड़ ली अभी ने पल्ली पेड़ जून भी मिन टाणो अगर पॉली मन जून मेरी है तेन मुन ले जाऊं हां यार जींस कोनो ना की बात है ना वाटी गेट ना वाटी यार तो गेट रिसोर्ट रुकल लागो ये था की मनो इनका बच्चा अट समझ गया ना अभी अरे मेरा नाम नोकरे ला रहे हैं के तो कोई सामान वामान को लेने जावे मैं कोई आ जाओ कोई चुरा चुरा ला अपने जो अच्छा गाइस एप्पल को और बुद्धि बुद्धि हो पापा ला एप्पल का किसी बुद्धि नहीं आती उससे बैग में पेन हो रही हो लेग दुख रही आज छाती में दर्द हो रही हो आज लीवर में खराबी हो रही सब वो एक ही शख्स का है दन हो गया वो है ना महान आदमी हम महान आदमी के नाम पे कलंक ना इंसाफी की अदबी मेरे साथ ब्लू जेंस पहनने को पड़ी है इसको खुलवा दिया है क्योंकि इसके उनके और मेरे सेम जेंस थे तो रिप दिस सो हम जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं हमारे भाई लोग आगे चल रहे हैं गाड़ी अच्छी है जा रहे हैं जयपुर के लिए जयपुर में एक नई गाड़ी लेने जा रहे हैं भिलवाड़ा में अवेलेबल नहीं तो जयपुर में अवेलेबल नहीं तो हम गाड़ी लेने जा रहे हैं हमारे क्या लग रहा है चलो मेरे भी रख दो गाइस इसको रख मेल है इन्हें रख दो बात इन्हें रख दो बात बीच में मैं बैठूंगा तो बिन चलना पड़ी या यस 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 तो भाई कुछ काम से नसीराबाद में स्टॉप किया है पहला स्टॉप नसीराबाद में हुआ है अभी कुछ खाने पीने के लिए जा रहे हैं क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं तो बिल्कुल एनर्जी नहीं है अंदर जूस पियेंगे अभी मस्त और घूमेंगे भाई इतनी धूप के अंदर जूस की शॉप ढूंढने के लिए जा रहे हैं लेकिन जूस की शॉप नहीं मिल रही चलो पूछते हैं किसी से पूछते हैं ना एक बार किसी से जिस तरह का नसीराबाद का मार्केट वगैरह एक जूस की शॉप के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं इतनी धूप के अंदर एक जूस की शॉप नहीं मिली है कम से कम तो हमारे साथ में ओम प्रकाश पीछे चल रहा है हमारे मनोहर भाई एक जूस की शॉप के लिए मशक्कत कर रहे हैं मिल जाता तो ठीक है सुबह से कुछ खाया नहीं है हमारे बड़े भाई साहब ये मनोहर जी लटक गए अभी ये बड़े बड़े तालाब की खोज करता है बड़े तालाब की खोज करता है ढूंढ रहे बड़ा तालाब कहाँ पे है वहीं जा रहे हम ठीक है अच्छा और वहीं पे जाएंगे चलिए फाइनली करने वाला भी गोपाल अभी यहाँ पे अभी आए करो बेटा आए करो गोपाल का ब्लॉग इसलिए भाई साहब ने आए नहीं किया कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम करेंगे वो मैं जब चैनल को ओपन करूँगा तब करेंगे वो कभी भी नसीराबाद आओ कभी भी देख लेना यहाँ पे ये हॉस्पिटल है उसके पास ही ये शॉप है यहीं पे आना आपको अभी जा रहे हैं हम अपनी कार के पास वापस जूस वूस पीके ऑल सेट अभी निकलेंगे जयपुर के लिए फिर आप बताएंगे आपको एक बड़ा सरप्राइज़ जो कि हम आपके लिए प्लान करके रखा था काफ़ी दिनों से सोच रहे थे आज फाइनली वो पूरा होने को जा रहा है तो देखते हैं चलो इतनी गर्मी है कि हमें स्लीपर प्रिपेयर करनी पड़ी है इतनी गर्मी के अंदर ये मैं तो गए मैंने लेके आया था साथ में हम भी लेके आए थे बच्चे कहीं रास्ते में ये मिल गई इनको इधर चलना इधर वो टेस्ट कर रहे हैं हाँ बताओ एक नंबर अच्छा मीठे
क्या करना चाहोगे? ठीक है आप चलो, आप भी चलो, आपका कोई काम नहीं है, चलो जाओ। तो नसीराबाद से कुछ खाने के अंगूर वगैरह लेके जा रहे वापस कार के अंदर, अभी फिर देखते हैं खाने का मजा। तो बहुत है यार, टेस्टी है, टेस्टी। तो गाइज अभी एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज आने वाला है, बताएंगे आपको। अभी जयपुर जा रहे हैं, जयपुर जाके एक सरप्राइज़ है आपके लिए। हमारे भाई है जिन्होंने कुछ प्लान किया है कुछ लेने का, तो अभी जयपुर जा रहे हैं। अभी कुछ स्टॉप किया है नसीराबाद के अंदर खाने पीने के लिए, भूख लग रही थी। दिख रहे होंगे पीछे कुछ पड़े हैं शायद, दिख रहे होंगे, दिख रहे हो तो चले जयपुर चलते। तो गाइज अभी खाने के लिए रुके हैं, पीछे रेस्टोरेंट है स्टॉप, यहाँ पे हमारे मनोज हम पास और एक भाई बाहर बातें कर रहे हैं, खाने में मजा आएगी। फिर देखते हैं मनोज भाई तो उदास कैसे बैठा है, उदास टेंशन है क्या कुछ? टेंशन है क्या कुछ? कुछ टेंशन हो तो बताओ। जयपुर जा रहे हो तो कैसा लग रहा है आपको जयपुर जाने के लिए? आर यू एक्साइटेड? हाँ आप बताओ क्या मनसा इनकी मोहतरमा तानी से मिलना चाहते हैं। अच्छा, और उसकी मुलाकात के चक्कर में पिछले 6 महीनों से बिजी रहे, 6 महीनों से इनकी हालत बहुत। तो अगर मिस तानी, अगर आप हमारे मनोहर भाई को जानते हो तो इनसे एक बार कॉन्टेक्ट करें, ये आपकी याद के याद में बहुत तड़प रहे हैं। तो आपको याद आती नहीं आती तानी जी, बताओ आती या नहीं आती? याद आती है? अरे हमारे मनोहर भाई भी सेल्फी ले रहे हैं अभी मैडम को भेजने के लिए। देखिए कैसी आई सेल्फी, एक और ले, एक और ले, एक और ले। नारायण भाई की टेंशन है क्या? कुछ टेंशन है क्या आपके? अच्छा अच्छा, बिग फैन भाई, बिग फैन भाई, बिग फैन। एक फोटो में मिलेगा क्या भैया आपके साथ? इफ यू डोंट नो मी जस्ट सर्च ऑन इंस्टाग्राम, आई एम गोपाल शर्मा। तो हम लोग आ चुके हैं जयपुर KTM शोरूम पे नई गाड़ी लेने के लिए, पीछे गाड़ी बड़ी है हमारी, अभी उसकी बुकिंग होने में। फाइनली हमारी बाइक कंप्लीट हमारे सामने खड़ी है, दिखाना चाहोगे भाई? अरे नहीं नहीं ठीक है, चलो अभी हम गाड़ी वाड़ी लेके घूमने हैं पत्रिया गेट पे, पीछे पत्रिया गेट दिख रहा होगा आपको, हमारे घर जो खड़े हैं गाड़ी वाड़ी पीछे खड़ी है, पत्रिका गेट दिख रहा हूँ आपको, पत्रिका गेट है जयपुर का, सनसेट काफ़ी अच्छा दिख रहा है जयपुर, पत्रिका गेट एकदम बढ़िया, घूमना सकते हो आप मेरे साथ। मेरा भाई ओम प्रकाश जिसने भी मुझे फ़ोन दिया, मेरा फ़ोन में चार्ज खत्म हो गया था लेकिन ब्लॉग बनाने के लिए फ़ोन दिया है, तो इसका भी हम गरीबों की सहायता करते हैं, हम गरीबों की नहीं, जब मोटा पैसा नहीं लेगा तब हम भी लाएंगे एक और बड़ा। जयपुर का ट्रैफिक काफ़ी हाई ट्रैफिक है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है जयपुर में, इतना ट्रैफिक है, आवाज़ भी ढंग से नहीं आ रही होगी, मेरी आवाज़ भी ढंग से नहीं आ रही होगी, इतना ट्रैफिक है, बहुत मुश्किल से 1 घंटे से निकल के आए हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है भाई, अभी भीलवाड़ा के निकल गए जयपुर में, बहुत ट्रैफिक है। सो गाइज अभी हम जयपुर से बाइक चला के अजमेर से 50 किलोमीटर पहले रुके हैं, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और गाड़ी चला नहीं सकते थे, हमें स्टे लेना पड़ रहा है रात को, सुबह जल्दी निकलेंगे भिलवाड़ा के लिए और मैं भी 10 o'clock हम भिलवाड़ा पहुँच जाएंगे। सो अभी लीवर प्रॉब्लम, रोगी को कोल्ड ड्रिंक्स पिला रहा हूँ, पी नहीं रहा, जबरदस्ती इसके मुंह में ठुन्नू
पिले सांड हो रहा है, अवारा अवारा सांड होते नहीं होते जो रस्तों पे फिरते फिरते, वो वाला ही है ये। ये मैं हूँ, कुछ मतलब तो है नहीं, फालतू की बॉडी बना रखी है इसे, और बॉडी का कोई मतलब नहीं है, बस बॉडी दिखाता है किस पे, दुबले पतले लोगों पे जो मेरी तरह होते हैं उन पे, बाकी और किसी का कुछ नहीं कर सकते। डरता हूँ बाकी मैं तो। और कुछ कहना चाहोगे? कोल्ड ड्रिंक्स पीना चाहोगे? क्या पीने चाहोगे? कुछ प्रिपेयर करूँ आपके लिए? दारू पीऊँ मैं? दारू दारू पिएगा भैया? दो बोतल वोडका लेके आना। जीव की हत्या होगी मेरे हाथों से। नीचे सोना पड़ रहा है जीव को। शेर बोलते हैं शेर, ठीक है, कुत्ते होते हैं नीचे सोने वाले, ठीक है ठीक है। ये जंगली कुत्ता है आप। और नोटिफिकेशन भैया, कविता का नोटिफिकेशन। रात का खाना चल रहा है हमारे, चावल और दही खा के सोना है अभी। और इधर ये आशिक है जो अपने फ्यूचर वाइफ से बातें कर रहे हैं। हेलो फ्यूचर वाइफ, से हाय टू, से हाय, से हाय, डू कंटिन्यू गाइस। बड़े बड़े आप ऐसे खाते रहो, मस्त मगन, ऐसे ऐसे बॉडी बनाओ। आप वीडियो देख रहे हो ना, तो आप इसको एक दो रुपए इसको चंदे में दो, ये थोड़ा बहुत भूखा मर रहा है, इसको थोड़ा बहुत कुछ खाएगा पिएगा, आपके एक दो रुपए से आपके ये बहुत आपकी बॉडी बनाएगा। अफवाह में ना जाइए और मेरी बातों पे ध्यान दे। एक दिन ऐसा आएगा, कैसा एक दिन ऐसा आएगा कि सूखी सूख के लकड़ी होएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि इसको ईंट का जवाब पत्थर से देगा। पानी के पानी पीजा। पानी के तौर पे हम कोल्ड ड्रिंक प्रिपेयर करते हैं, ठीक है गाइस। आप ये से कोल्ड ड्रिंक वगैरह मत पियो, सबसे बढ़िया आप नल का पानी पियो, ट्यूबवेल का पानी पियो, नाली का पानी पियो, नाली का पानी पियो, पर पानी पियो, जरूर पानी पियो जो ये पीता है। तो गाइस डेली रूटीन ये है कि भाई मैं बता दूं, सुबह 5 बजे उठता है, 6 बजे जिम जाता है, 8 बजे आता है ना धोके, गाड़ी लेके घर से निकलता है, फिर एंजल एंजल प्रिया एंजल श्वेता पता नहीं कौन कौन सी एंजल को लेकर फिरता है, जो कि इनकी बहन है, बस बहन और कुछ नहीं है? बस इसकी बहन है, एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है, स्टिल सिंगल, सब लड़कियों को बहनें बना रखी हैं और कुछ नहीं इसकी जिंदगी में। बे अभी निकलेंगे भिलवाड़ा के लिए, यहाँ से चलते हैं, अभी हमारा ब्रेकफास्ट हुआ है, सो नहा धो के रेडी हो चुके हैं। आज का कुछ आउटफिट इस तरह का है, हमारा रूम के भी ऐसी की तैसी कर चुके हैं पूरी, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई हुई थी अभी हमारी, सो पूरा बिगड़ गया। अभी हमारे कपड़े वपड़े पैक करते हैं फिर चलते हैं एक बार। तो रात को हम जल्दी आके अजमेर सो गए थे, अभी हम उठ के डंपिंग यार्ड के लिए आए हैं, यहाँ पे पूरा ये वाइट वाइट है, जो कि कोटा स्टोन का वो कटिंग के बाद जो भी निकलता पानी वगैरह उसको यहाँ डाल देते थे, तो अभी ये वहाँ का बना हुआ है। यहाँ पे लोग प्री वेडिंग शूट के लिए आते हैं, मोस्टली शूटिंग के लिए आते हैं, क्योंकि साफ सफाई करने वाले कर्मचारी की वीडियो बन रही हैं, यहाँ पे ट्रेलर वगैरह चलाते हैं, ठीक है, मतलब तो कुछ नहीं है यहाँ पे, लेकिन लोग बाग को शूट करने के लिए आए हुए काफ़ी दूर दूर से, वगैरह खड़ी है, हमारी गाड़ी नहीं लाने दी सालों ने, इतनी धूप में पैदल चल के आना पड़ा है। राजस्थान में अगर कहीं शिमला है तो वो अजमेर में है, किशनगढ़ में भी है, वाइट स्टोन। सो डंपिंग यार्ड में शूट करके निकल गए वापस, कुछ मतलब नहीं है, इतनी धूप पड़ रही है और कुछ मतलब नहीं है सच्ची, है ना, वेस्ट हुआ यहाँ पे, इससे अच्छा तो भिलवाड़ा निकलते तो अच्छा रहता हमारा, कुछ मतलब नहीं है। हाथ में कैमरा देख के लोग बाग ऐसा नोटिस करते जैसे कोई उनकी शादी में मैं ज़बरदस्ती घुसा हूँ, कुछ मतलब नहीं है सच्ची, सच बताऊँ कुछ मतलब नहीं है, आप कोई मत आना डंपिंग यार्ड में, कुछ मतलब नहीं, ऐसे आना वेस्ट हुआ हमारा।
हाँ एक दो फोटो ठीक, एक दो फोटो ठीक आए वो बात अलग है, लेकिन बाकी कुछ मतलब नहीं है, उल्टे पैर लौटना पड़ रहा है। कैमरे पे क्या लगा, बच्चा आ रहा होगा भाई। तो डंपिंग यार्ड में घूम के कैसा लगा आपको? कुछ मतलब नहीं है ना, यहाँ आना वेस्ट है, कोई भी लोग आए नहीं, ऐसे पैसे वसूल रहे साले। मेरी तरफ से 5 में से 1 स्टार रेटिंग भी नहीं मिलेगी इसको, देख लेना। हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी करवाई है धूप में आने के लिए, और यहाँ पे हमें धूप में भेजा है, पैदल पैदल हो भी मुश्किल है। मेरे को नहीं दिखा, हमारे पास तो कार थी और उसके पास बाइक थी, फिर भी नहीं भेजा।